गर्मी हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो भाई वीडियो भी देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हियर टू टेक योर फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लेसन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स जो हमारा रह गया था लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हमारा कुछ पॉइंट्स रह गया था, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बना के देना पड़ता है आप लोग को। तो कुछ पॉइंट्स रह गया था हमारा, कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी हमारी, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग अब देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, आज फाइनल टेस्ट देते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स है, अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट से पहले हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बेहतर पढ़ा है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी जो मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा वो मैथमेटिकल, पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए ही होता है। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहां पर अभी जो हम प्रॉपर्टीज का डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके existence of identity for addition rational number। okay students, तो यहां पर हमें रैशनल नंबर के एडिशन के लिए उसकी आइडेंटिटी ढूंढनी है। साफ तौर पर देखा जाए स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ आइडेंटिटी मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम अगर रैशनल नंबर में ऐड कर भी दें तो उसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो लेट एक नंबर हम लेते हैं, दैट इज द ए बाई बी, दिस इज अ रैशनल नंबर, यू बेटर नो अबाउट दैट, दिस इज अ रैशनल नंबर एंड व्हेन वी ऐड अ जीरो टू दिस रैशनल नंबर देयर विल बी नो एनी चेंज इन दिस नंबर, इसमें इस नंबर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर इसके ऑर्डर को भी हम बदल दें या फिर जैसे भी चाहे लिख लें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देख रहे हैं जैसा हम लोगों ने लिया था वैसा ही नंबर हमें मिला है। तो जीरो जीरो जो है हमारा, इसमें याद रखेंगे हमेशा, ये जीरो जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यहां कुछ खास ऐसी कोई बात नहीं थी जो ना समझने लायक हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा टॉपिक था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एडिशन के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। यहां एडिटिव इनवर्स का जिक्र है, एडिटिव इनवर्स तो हमेशा याद रखेंगे। लेट यहां कोई रैशनल नंबर हम लोग मिले जैसे ए बाई बी, ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि एडिटिव इनवर्स की एक आइडेंटिटी भी होती है, और वो आइडेंटिटी ये होती है कि जब हम किसी रैशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ सम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। स्टूडेंट, कभी भी अगर एक रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो हमें फाइंड आउट होगा उसके साथ हम जब उसका सम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आखिर ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसे अगर हम
किसी रैशनल नंबर में ऐड करें तो वो जीरो होगा, तो ऑफकोर्स उसका नेगेटिव फॉर्म। तो जैसे हमारे पास एक नंबर ए वाई बी है जो कि एक रैशनल नंबर है, तो अगर इसका हमें एडिटिव इनवर्स देखना है तो क्या होगा हमारा माइनस ए बाई बी, एंड व्हेन वी ऐड ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी द रिजल्टेंट विल बी जीरो होगा। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो हमेशा याद रखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, दैट इज अगर हमसे 1/2 है हमारे पास एक रैशनल नंबर तो इसका एडिटिव इनवर्स -1/2 होगा। अगर लेट एक नेगेटिव नंबर है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है -3/4, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास 3/4 होगा। मतलब माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमेशा इसकी आइडेंटिटी क्या कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी रैशनल नंबर उसकी एडिटिव इनवर्स का जब सम निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हमारे पास डिवीजन के लिए भी कोई नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं डिवीजन के लिए भी,
फ्रेंड्स अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे आते हैं रेशनल नंबर के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में मैंने उसकी आइडेंटिटी बताई थी आप लोगों को कि जब भी कोई नंबर होता है और उसकी एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है एक रेशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है जीरो होता है। क्या होता है जीरो होता है। उसी तरह से अगर कोई रेशनल नंबर हमारे पास है लाइक ए बाई बी, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज वन, दैट इज वन। ओके स्टूडेंट, लाइक हमारे पास एक नंबर है ए बाई बी और इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका जो ये जो रेशनल नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जब उसके साथ इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा वन है। तो हमारे पास ए बाई बी है तो आप इसे किस चीज से मल्टीपुल करते हैं ताकि ये हमारा वन आ जाए। तो ऑफकोर्स बी बाई ए से यानी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा वन। तो ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे हमारा बी बाई ए। मतलब किसी भी रेशनल नंबर रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, यहां मैं नोट्स में कर दे रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है प्रोडक्ट उसका क्या नाम होना चाहिए वन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दिस प्रोडक्ट उसका वन होना चाहिए। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा, उस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके एंड स्टूडेंट, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है आप लोग ऑनेस्टली अपने चैप्टर को बनाइए। हर पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं और आप ऑनेस्टली बनाइएगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया प्रॉपर्टी जो है और लास्ट प्रॉपर्टी होगा, इससे दो फॉर्म बनने हम लोग को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक नंबर है ए इंटू बी प्लस सी। ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक नंबर है, तीन नंबर है और तीन नंबर के बीच एक रिलेशन तैयार किया है यहां पर इस तरह का। हम लोगों ने ये एग्जांपल है हमारे पास, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा सर। तो यहां पर मैं अपने लॉजिक को समझाता हूं, ज्यादा आपको आसान रहेगा। जैसा मान लीजिए ये हम लोग ने वॉर्ड मास बेहतर पढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पर वॉर्ड मास वाले रूल से चलना नहीं है हमें। अगर हम वॉर्ड मास वाले रूल से चले तो पहले हम लोग उसका सम निकालेंगे और उसके बाद मल्टीपल करेंगे, हालांकि रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन में हम लोग क्यों क्या करते हैं वो हम देखते हैं। इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम्पल्स मिलेगा, तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को। तो जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको यहाँ पे देखिए, लाइक मान लीजिए स्टूडेंट यहां दो मेंबर हैं, ये घर है इसमें दो मेंबर्स हैं और ये बाहरी गेस्ट आया, जब वो घर के अंदर आएगा तो यहां पर क्या है मल्टीप्लिकेशन है।
मल्टीप्लीकेशन है मतलब वो बारी बारी से दोनों से जाके मिलेगा, तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज ए इंटू बी, ए इंटू बी बीच में प्लस का फंक्शन था, प्लस ए इंटू सी। ओके स्टूडेंट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी नंबर ले लें, टू इंटू या कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर प्लस फाइव बाई सिक्स, दैट इज वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर प्लस वन बाई टू इंटू फाइव बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ स्टूडेंट, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर ये भी कॉमन दिख रहा है हमें, ए जो है हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा, तो ये ओवर एडिशन। और उसके दृष्टि से हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसे सॉल्व करना बड़ा आसान सा है, यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। उसी तरह से हमें नेक्स्ट एक लास्ट को पढ़ना है, ओवर एड सब्ट्रैक्शन, सेम चीज ही है। आपने ये होल नंबर भी बेहतर पढ़ा होगा आई होप। तो यहां हमारे पास एक नंबर है a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई एम, दैट इज a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस a बाई बी इंटू ई बाई एम। ओके स्टूडेंट, कोई भी नंबर आप एडजस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है माइनस वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर माइनस फाइव बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज माइनस वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर माइनस माइनस वन बाई टू इंटू फाइव बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा ये चैप्टर, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा रिलेटेड मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, और आप इससे ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, ये तो आप जानते हैं क्या करना है इसमें, बहुत इजी फॉर्म था, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा इसको, और आई होप कि आप लोग बेहतर तरीके से चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि आप लोगों को टाइमिंग मिला हुआ है क्वेश्चन पूछने का, तो आप मैं स्नैप ले करके, और जैसा कि जैसा आपको बताया गया है मैं थ्रू वैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।